हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आज लेके आया हूँ बहुत ही दमदार टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एसी अल्टरनेटिंग करंट शुरू हो चुका है और अल्टरनेटिंग करंट का जो है दो बहुत लीडिंग टॉपिक्स होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर। यस, प्रेरक और संधारित्र दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आज मैं लेके आया हूँ संधारित्र। पिछले लेक्चरों में मैंने इंडक्टर कंप्लीट करा दिया था और देखिए इंडक्टर कंप्लीट कराने के बाद मैंने इंडक्टर से जुड़े सारे सवाल भी कराए थे जो पेपर में आ सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें पेपर में पूछी जा सकती हैं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केवल मैंने क्या करा दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने भी कितना कर लिया। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों से ये चीज़ पूछूंगा, आप मुझे तुरंत अभी कमेंट करिए कि क्या आप लोगों ने सारा इंडक्टर जो पिछले जो मैंने दो वीडियो बनाए इंडक्टर पे वो कंप्लीट करे हैं या नहीं करे हैं। प्लीज़ मुझे अभी कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि क्या आपने इंडक्टर कंप्लीट किया या नहीं किया, उससे जुड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट किए या नहीं किए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा। आप शुरू करते हैं कैपेसिटर संधारित्र। देखिए कैपेसिटर से भी जुड़े हुए दो शब्द होते हैं, एक कैपेसिटर एक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को संधारिता बोलते हैं और या धारिता भी बोलते हैं इसे, ठीक है, धारिता भी बोलते हैं संधारिता। तो कैपेसिटर और संधारित्र, इसको बोलते हैं संधारित्र। तो देखिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, तो ये एक एलिमेंट होता है जो मार्केट से हम लोग क्या खरीदते हैं, जो मार्केट में हमें देखने को मिलता है, पंखे में हम लगाते हैं, वो सब क्या है, ये कैपेसिटर लगाते हैं, जिसके अंदर ये कैपेसिटेंस के गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, या अवगुण होते हैं, जो भी कह लीजिए आप गुण हैं, वैसे तो ये गुण ही हैं, अवगुण उतना नहीं होता है। ठीक है, तो ये मतलब कहने का ये गुण है और ये डिवाइस है, इस डिवाइस के अंदर ये गुण भरा हुआ रहता है। अब मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि ये गुण इस संधारित्र में भरा हुआ होता है, मतलब ये संधारित्र इस गुण से लबालब भरे हुए होते हैं। संधारित्र का क्या काम होता है, मतलब इस संधारित्र का क्या काम होता है, तो संधारित्र वो डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखती है। क्या स्टोर करके रखती है, चार्ज स्टोर करके रखती है। संधारित्र वो डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखती है, मतलब कहने का आवेश अपने अंदर स्टोर करके रखती है, चार्ज स्टोर करके रखती है। और ये जो गुण होता है आवेश स्टोर का, ये जो गुण होता है इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। इसी को क्या कहते हैं, इसी गुण को कहते हैं कैपेसिटेंस। तो जिसके अंदर संधारिता के गुण ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है वो स्टोर चार्ज को कितना करेगा, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। जिसमें ये संधारिता वाले गुण ज्यादा होंगे वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अब देखिए संधारित्र की, कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन इसका प्रिंसिपल होता है। देखिए दो तरीके के टर्म्स होते हैं, आयनाइजेशन और एक होता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण और एक होता है आयनीकरण। आयनीकरण मैंने भली बात दी आप लोगों को, प्लेलिस्ट में जाके आयनीकरण देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, जगत सच में जाइएगा और जगत सच के अंदर आयनाइजेशन में जाइएगा, मतलब आयनाइजेशन की वीडियो वहां पर रखी हुई होगी, पड़ी हुई होगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। आयनाइजेशन जो होता है वो होता है आयनीकरण और पोलराइजेशन होता है ध्रुवीकरण। तो कैपेसिटर का जो, कैपेसिटर की वर्किंग का जो मेन एजेंडा होता है वो क्या होता है, मेन जो प्रिंसिपल होता है, मूलभूत जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, पोलराइजेशन। अब बात करते हैं ये पोलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कैपेसिटर के दो प्रकार के टाइप होते हैं। कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं, कैपेसिटर को दो तरीके से बांटा जा सकता है, मतलब दो तरीके से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं और कैसे बांटा जाता है और फिर देखेंगे ये पोलराइजेशन ध्रुवीकरण भी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर तीन टाइप के होते हैं, किसके आधार पर, अगर हम कंस्ट्रक्शन के आधार पर बात करें, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना के आधार पर बात करें, बनावट के आधार पर बात करें, तो तीन प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, मतलब अगर इनको अगर आप शक्ल के आधार पर, मतलब इनके ये दिखते कैसे हैं अगर उसके आधार पर करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, मतलब कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं हम लोग समांतर प्लेट, समांतर प्लेट कैपेसिटर, इसको बोलते हैं आपका गोलाकार या अंडाकार जो भी है, और इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब क्या कहते हैं आपका बेलनकार कैपेसिटर। अब आप एक चीज देखिए, यहां से यो तो कैपेसिटर, और भी अगर हम बात करें कैपेसिटर, एक तो संरचना के आधार पे तीन प्रकार का बट गया, ये एक संरचना के आधार पे तीन प्रकार का बट गया, ठीक है। अब हम बात करें अगर कैपेसिटर को हम बांटेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे, किसके आधार पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आधार पे, तो ये अलग अलग प्रकार में बटते हैं, बट इसकी बात मैं आप लोगों से बाद में करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इसको, पूरा देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी मैं किसके आधार पर बांट रहा हूँ, संरचना के आधार पर बांट रहा हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब ये कैसा होता है, हम थोड़ा सा यहाँ से प्रिंसिपल भी जानेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल भी जानेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से होती है। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, ये दो प्लेट रखी होती हैं मेटल की, मतलब आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, धातु की प्लेट होंगी, और ये जुड़ी होती हैं जाके बैटरी से, बैटरी के प्लस से, बैटरी के माइनस से। अब आप एक चीज़ देखिए कि जब ये प्लेट्स हैं, ये जो बैटरी के प्लस या बैटरी के माइनस से जुड़ी हैं, ये बैटरी के प्लस या बैटरी के माइनस से जुड़ी हैं, इसमें हम लोग बैटरी, एक डीसी बैटरी लगाते हैं। अब देखिए जब ये प्लस से जुड़ा है, जो प्लेट प्लस से जुड़ी है, कहीं ना कहीं वहाँ आके प्लस चार्ज रेस्ट कर जाएगा, मतलब ठहर जाएगा, और जहाँ माइनस पे आके रुकी है, ये माइनस प्लेट आके ठहर, मतलब माइनस चार्ज आके यहाँ पर ठहर जाएगा, क्योंकि इस प्लेट से क्या कनेक्ट है, बैटरी का, बैटरी का माइनस कनेक्टेड है, बैटरी का माइनस कनेक्टेड है, और जब बैटरी का माइनस इस प्लेट से कनेक्टेड है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये माइनस क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर इकट्ठा हो जाएगा। और इस प्लेट पर जब, देखिए ये बात मैंने आपको बहुत बेसिक में पहले भी बताई हुई है कि ठहरा हुआ चार्ज, रेस्ट चार्ज, ठहरा हुआ चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत रेखा पैदा करता है, प्रोड्यूसेस विद्युत रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोड्यूसेस विद्युत रेखा या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब जो चार्ज ठहरा हुआ है, एक बात तय है कि वो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस बात को भी मैं आपको बता दूं कि प्लस चार्ज पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर निकालता है अपने अंदर से, और नेगेटिव चार्ज अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता है, मतलब प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। वही सेम चीज यहाँ अप्लाई होगी, जब यहाँ पर चार्ज ठहर गया है, इसका मतलब चार्ज क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, और जब चार्ज रेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब आप एक चीज देखिए कि ये बीच में एयर है, बीच में क्या है, एयर है, एयर अपने आप में क्या होती है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होती है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, ये बात मैं अभी आपको बताऊंगा, समझते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इंसुलेटर एक ही चीज होते हैं, याद रखना, कुचालक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ही चीज होती है, ये दोनों ही कुचालक होती है, याद रखिए, इंसुलेटर और डायलेक्ट्रिक मीडियम दोनों ही एक ही हैं, कुचालक हैं, इंसुलेटर्स हैं ये दोनों, बस इसमें अंतर ये होता है कि ये ध्रुवीकरण कर जाती है, ये ध्रुवीकरण कर जाती है, और ये ध्रुवीकरण नहीं करती है, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है। तो देखो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको क्या बताया, कैपेसिटर का प्रिंसिपल, संधारित्र का प्रिंसिपल, पोलराइजेशन बताया, और जब पोलराइजेशन मैंने कैपेसिटर का प्रिंसिपल बताया है, मतलब आप समझिए कि कैपेसिटर अपने आप में कैपेसिटर का फंक्शन क्यों कर पाता है, क्योंकि वो पोलराइजेशन कर पाता है, ध्रुवीकरण कर पाता है। ध्रुवीकरण क्या है मैं बताऊंगा अभी, तो जब वो ध्रुवीकरण कर पाता है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर क्या यूज करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या कैपेसिटर इंसुलेटर यूज कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इंसुलेटर में तो पोलराइजेशन होता ही नहीं है, और कैपेसिटर बिना पोलराइजेशन के आता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इंसुलेटर होते तो सेम है, बस इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये एयर अपने आप में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसका मतलब ये है कि जब ये दो प्लेटें हैं, अगर मैं इस प्लेट को ही ले लूं खाली, और यहाँ बीच में मैं एयर को ले लूं, मैं मान लूं ये एयर है, तो देखिए क्या होगा कि एयर के परमाणु जो होंगे, एयर के जो परमाणु होंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स कि क्या है, अगर मान लीजिए ये एयर है, ठीक है, दो प्लेट के बीच में ये एयर है, और मैं एयर एयर में, देखिए जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, एयर भी अपने आप में पदार्थ है, ठीक है, तो कोई भी पदार्थ अपने आप में, न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा,
नाभिक तो रहेगा ही रहेगा, उसके चारों ओर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं एयर के अंदर परमाणु की बात करूँ, मतलब एयर के अंदर ऐसे हजार परमाणु, करोड़ों अरबों परमाणु होंगे। अब आप यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब ये एयर का परमाणु है और यहाँ पर लग रही है प्लेट, और इस प्लेट पे यहाँ पॉजिटिव 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 यहाँ पर, और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर है प्लेट प्लेट पर। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए कि ये प्लस 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 है, ये नेगेटिव 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 है। जब इस प्लेट में प्लस से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, वो तो प्लस से नेगेटिव जाएगी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज जाती है, तो क्या होगा? अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ये नेगेटिव चार्ज देखिए, ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये नाभिक क्या है, नाभिक में प्रोटॉन है और प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट इस नाभिक को अपनी ओर खींचेगी। तो होगा क्या, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, होगा क्या, परमाणु का शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब ये जो प्रोटॉन है, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो होगा क्या, वो देखिए कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस चार्ज है, और इस प्लस को ये माइनस खींच लेगा अपनी जगह, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर कर लेगा, मतलब ये प्लस खींच लेगा, तो इस प्लस प्लेट के पास पास सब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस माइनस प्लेट के पास पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब होगा क्या, देखिए पोलराइजेशन में होता क्या है कि परमाणु जो है, परमाणु का स्ट्रक्चर बदल जाता है इस तरीके से। मतलब जो पहले परमाणु बीच में प्लस चार्ज था और साइड में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बीच में प्लस था और पूरे साइड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अब वो ऐसा ना रह के अपनी शेप बिगाड़ लेता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड आगे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस इधर से इसे खींच लेगा, और सारे प्रोटॉन मतलब प्लस उस साइड चले जाते हैं नेगेटिव वाली साइड, तो क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं इस तरीके से माइनस प्लस की जोड़ियां बन जाएंगी, मतलब कहीं ना कहीं परमाणु के माइनस प्लस एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं ध्रुवीकरण। याद रखिए ध्रुवीकरण और आयनीकरण में अंतर क्या है वो भी मैं बता देता हूं। आयनीकरण में आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आयनीकरण में ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली छोड़ के ही चला जाता है अपने परमाणु को, मतलब ये इतनी तेज खींच लिया जाता है इलेक्ट्रॉन कि ये परमाणु अपनी कक्ष को छोड़ के बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु अपनी कक्ष को छोड़ के बाहर निकल जाता है। पर जबकि पोलराइजेशन में बस वो बाहर निकलने ही वाला होता है, अपनी शेप चेंज कर चुका होता है, देखिए बस ये अपनी शेप चेंज कर ली है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखें अपनी शेप चेंज कर ली है, जो परमाणु इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते थे, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये ऐसा ना रह के, अगर और मैं बताऊं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर प्लस ने खींच लिया और ये माइनस ने खींच लिया, तो हो क्या रहा है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और सारा का सारा प्रोटॉन इधर चला गया, इस तरीके से हो गई। एक मैं ये एक परमाणु की शेप बता रहा हूँ, एक परमाणु की शेप, ये सारे प्रोटॉन इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है, क्योंकि ये प्लस ने इधर खींच लिया इलेक्ट्रॉन और इधर माइनस ने प्रोटॉन खींच लिया, तो इस तरीके से ध्रुवीकरण हो जाएगा, और ध्रुवीकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पर आवेश आ जाएगा, किस पे, एयर पे आवेश आ जाएगा, पहले एयर पे आवेश नहीं था, अब इस पे एयर पे आवेश आ जाएगा ध्रुवीकरण के बाद। जब एयर पे आवेश आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में, अब देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी एयर से पास होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ एयर से गुजरनी है कि नहीं गुजरनी है, इस चीज को याद रखिए, परमिटिविटी इसे बोलते हैं, परमिटिविटी विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर, हवा की विद्युतशीलता, हवा की विद्युतशीलता क्या होती है, ये किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सके ये बताए। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जो अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो, विद्युत रेखाएं पास करवा सके, वो बताता है।
मान लीजिए मैं हूँ, मेरे अंदर से विद्युत रेखाएं पास हो रही हैं, यहाँ एक चार्ज रखा है, यहाँ एक चार्ज रखा है, मान लीजिए, तो ये विद्युत रेखा पास होंगी। मैं जितनी ज़्यादा विद्युत रेखा पास अपने अंदर से करवाऊंगा, ये मेरी विद्युतशीलता हो गई। अगर मेरी विद्युतशीलता ज़्यादा है तो ज़्यादा पास होंगी रेखाएँ मेरे अंदर से, अगर कम है तो कम पास होंगी। इसीलिए अगर मैं बात करूँ, ये एयर की विद्युतशीलता है, ये एक नियतांक है, 8.85 × 10^-12 फैरड पर मीटर इसकी यूनिट है, -12 है ये, ठीक है, -12 फैरड पर मीटर। तो ये पेपर में पूछ लेता है विद्युतशीलता की यूनिट क्या होती है, फैरड पर मीटर यूनिट होती है। तो जाहिर सी बात है कि एयर की जो भी विद्युतशीलता होगी उसके हिसाब से उसमें से विद्युत रेखाएं पास होंगी, और जब विद्युत रेखाएं पास होंगी, जितनी ज्यादा विद्युत रेखाएं इसके अंदर से पास होंगी, मतलब जितनी ज्यादा विद्युत रेखाएं इसके अंदर से पास होंगी, उतना ज्यादा एयर का क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। और जितना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा, जितना ज्यादा प्लस माइनस होगा उतना ज्यादा आवेश यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण हो गया। पहले यहाँ पर प्लस माइनस नहीं बन रहे थे, पर अब क्या हो गया, शेप चेंज होने की वजह से इस एयर में भी क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया, इस एयर में भी क्या आ गया, माइनस प्लस आ गया। तो ये अपने अंदर कहीं ना कहीं ऐसे चार्ज स्टोर करता है। अब आप एक बात समझिए, यहां पर कितना ध्रुवीकरण होगा, आप एक बात समझ रहे हो कि जितना ज्यादा यहां पर चार्ज इकट्ठा होगा, ये जितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज इकट्ठा हुआ है यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है। एक प्लस में से एक माइनस जाएगा, और जितने ज्यादा प्लस और जितने ज्यादा माइनस होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक रेखाएं जाएंगी, उतनी ज्यादा विद्युत रेखाएं जाएंगी। अब जब ये विद्युत रेखाएं जाएंगी, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए, जब ये विद्युत रेखाएं यहां से जाएंगी, जितनी ज्यादा विद्युत रेखाएं जाएंगी उतना ज्यादा ध्रुवीकरण होगा। अब ये अगर विद्युत रेखाएं बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं आपको ये वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब आपको सोचिए 10 वोल्ट है तो मान लो यहां पर 5 चार्ज आ गए, जब ये 100 वोल्ट हो जाएगा तो यहां पर और भी ज्यादा चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे, और जितने ज्यादा यहाँ चार्ज आ जाएंगे, ये देखिए 100 वोल्ट पे और भी ज्यादा चार्ज आ जाएंगे, और जितने ज्यादा चार्ज आ जाएंगे उतनी ज्यादा विद्युत रेखाएं बनेंगी, तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब अभी स्थिर चार्ज प्लेटों पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब प्लेटों पे इकट्ठे हो जाएंगे तो विद्युत रेखा बहुत ज्यादा बनेगी, तो अंदर ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा होगा। तो जो आवेश यहाँ पर इकट्ठा होगा वो समानुपाती है वोल्टेज के जो आपने अप्लाई किया है। जितना ज्यादा ये वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ज्यादा यहाँ पर चार्ज इकट्ठा होगा, और जितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा ध्रुवीकरण यहाँ पर उस पदार्थ का हो जाएगा। जब यहाँ पर नियतांक घटाते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं सी, कैपेसिटेंस। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि Q = CV एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें सी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, संधारित्र संधारिता जिसे बोलते हैं, और इसका ये मतलब होता है कि कौन कैपेसिटर कितना ज़्यादा अपने अंदर आवेश इकट्ठा कर सकता है ये संधारित्र वो बताता है। मतलब इसकी ये जो मात्रक होती है वो फैरड में होती है, फैरड, FARAD, फैरड एक साइंटिस्ट का नाम था, उसमें होती है। अब आपको ये चीज़ यहाँ समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए अगर 10 फैरड का कैपेसिटर है और 20 फैरड का कैपेसिटर है, तो जाहिर सी बात है मैंने क्या बताया कि कोई भी कैपेसिटेंस वो गुण होता है जो ये बताता है कि कितना ज्यादा चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा। तो जाहिर सी बात है 20 फैरड का कैपेसिटर होगा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा 10 फैरड के मुकाबले। समझ रहे हैं इस बात को? तो बात बड़ी सिंपल सी है कि यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो कहीं ना कहीं फैरड में होता है, और वो ये बताता है, कहीं ना कहीं कि कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है कोई कैपेसिटर। और कैपेसिटर कब चार्ज स्टोर करता है? जितनी ज्यादा ध्रुवीकरण हो जाएगा पदार्थ का, ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं उस पर वोल्टेज कितना लगाया गया उस पर निर्भर करता है। अब चलते हैं आगे। एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो समांतर प्लेट लगी होती हैं, और इस तरीके से हम बैटरी इसमें लगाते हैं तो इतने इतने हिस्से को जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बोलते हैं, और जिसके अंदर क्या स्टोर होता है, आवेश इकट्ठा होता है। तो एक जनरल आवेश का जो टर्म बन जाता है वो बन जाता है Q = CV, ठीक है, जिसमें C जो है जिसकी यूनिट होती है वो होती है फैरड। अब बात करते हैं अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी d दूरी है, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी, दो प्लेटों के बीच की दूरी d दूरी है, और
यहां पर जितना जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है, क्या जो यहां पर जितना भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मतलब ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है जो यहां पर रखा हुआ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो यहां पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस डेवलप होगा वो होगा आपका ई नॉट ए बाय डी। देखिए यो तो हम इसे जब हम डिटेल में करते हैं तो बहुत डिटेल में हम लोग कर सकते थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एप्साइलन ए बाय डी, जिसमें एप्साइलन क्या होता है, एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर, एप्साइलन नॉट होता है परमिटिविटी विद्युतशीलता ऑफ एयर, और ये क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब सापेक्ष रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है, सापेक्ष विद्युतशीलता, और ये हो गया एयर की विद्युतशीलता, ठीक है, एयर की विद्युतशीलता, एयर की विद्युतशीलता, ये हो गया एयर की विद्युतशीलता, ये सापेक्ष विद्युतशीलता। तो जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, E नॉट ई आर, मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी, कैसे लिख रहे हैं हम लोग इसे, एप्सिलॉन को मैंने E नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख दिया है। अब देखिए अगर यहाँ पर हम एप्सिलॉन आर की अगर मैं बात करूँ, एयर का जो सापेक्ष, एयर की जो सापेक्ष चुंबकीय विद्युतशीलता है वो ए वन होती है, तो अगर मैं इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को एयर के लिए लिखूँ तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये तो वन हो जाएगा, तो ए बाय डी, ये इस तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां से सवाल कैसे बनते हैं समझिए, यहां से आप देख पा रहे हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ऐसे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो निर्भर कर रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एरिया पे, मतलब कितना एरिया भरा गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, और निर्भर कर रहा है दो प्लेटों के बीच की दूरी को। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक का एरिया बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा आप एयर या कोई भी मीडियम रख सकते हैं और उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस आपका बढ़ता जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दो प्लेटों के बीच की दूरी को, मतलब दो प्लेटों के बीच की दूरी अगर दुगनी कर दी मान लो तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बहुत पूछते हैं ये सवाल। अगर मैं बात करूं यहाँ की दूरी को घटा देंगे, मान ली दुगना घटा दिया, तो तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से जुड़ा फॉर्मूला, ये आपको बहुत ज्यादा काम आता है, ये फॉर्मूला आपको बुरी तरीके से याद होना चाहिए, पेपर में भी ये फॉर्मूला आता है, याद रखिएगा, इसमें ये गलती मत करना मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10^-12 फैरेड पर मीटर होती है, इसीलिए आप एरिया को भी हमेशा मीटर स्क्वायर में लेना और डिस्टेंस को भी हमेशा मीटर में लेना, याद रखना, यही ये गलती होती है, और इसी बात का ये हमारा क्रैश कोर्स है कि क्या गलती आप लोग अमूमन करते हैं वो ध्यान रखना है। तो एरिया का मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर आपने बनाए रखना है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि आपका जो परमिटिविटी है यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो खुद पहले से मीटर में रहता है, और अगर आप ये वैल्यू रखोगे बाकी सब चीज़ों को सेंटीमीटर में ले लोगे आंसर गलत हो जाएगा। आइए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करता हूँ, ये फॉर्मूले टिक करने के लिए आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मैं फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये फॉर्मूले आपको टिक करने के लिए आते हैं केवल ऑप्शन में, कि इनफैक्ट 2016 के UPPCL के 8 तक के पेपर में स्फेरिकल का फॉर्मूला आया था टिक करने के लिए, और इस पर एक जो सवाल बनता है वो भी क्या बनता है वो भी अपन लोग करेंगे, बट बशर्ते कि हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है, ठीक है। ये बना आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये देखिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एयर ना हो कुछ और हो तो फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, तो आप देखिए एयर के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया और नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला हो गया। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात भी बता दूं कि एयर के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता एक होती है, और यहां पर एक और चीज बता दूं कि चुंबकशीलता में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एयर की चुंबकशीलता एक होती है, वो एक अलग बात है, इसका काम अभी यहां कुछ नहीं है, बट हम बाद में पढ़ेंगे इसको।
और जो वाटर की चुंबक ये विद्युतशीलता होती है वो 81 होती है। याद रखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट विद्युतशीलता वाटर की होती है, पानी की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वाटर पानी अपने अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड गुजार सकता है। मतलब पानी अपने अंदर से, अगर एयर अपने अंदर से एक विद्युत रेखा गुजार सकता है तो पानी अपने अंदर से 81 विद्युत रेखा गुजार सकता है। इतनी ज्यादा इसकी विद्युतशीलता परमिटिविटी होती है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के भी मैं आपको लिखवा देता हूं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का टाइम ना ज्यादा खराब करते हुए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। कैपेसिटर का फॉर्मूला 4πε0εr होता है। ये किसी भी मीडियम में होता है, एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, मतलब कोई भी डायलैक्ट्रिक मीडियम हो, ठीक है। यो तो डायलैक्ट्रिक मीडियम के कई एग्जाम्पल होते हैं, एयर, ऑयल। अभी हम लोग जब डायलैक्ट्रिक मीडियम के आधार पर कैपेसिटर देखेंगे वहां देखेंगे, ठीक है, एयर हो गया, ऑयल हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया, हम लोग एल्यूमिनियम की शीट भी यूज करते हैं बीच में, तो कई तरीके के डायलैक्ट्रिक मीडियम होते हैं एक्सेट्रा। अब आप एक चीज समझिए, मतलब जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम प्योर भी यूज करते हैं, वो उसमें मिक्स कुछ करके करते हैं क्योंकि इंसुलेटर यूज होता है, ठीक है। और ये एयर के लिए हो गया, ये एयर के लिए हो गया कैपेसिटेंस, क्योंकि यहाँ पर म्यू आर क्या रख जाएंगे हम लोग, 1 रख देंगे एयर के लिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर 1 हो गया, ये एयर के लिए हो गया। तो आप देखिए ये जो गोलाकार जो अंडाकार जो कैपेसिटर होता है इसमें क्या होती है, इसकी प्लेट अंडाकार होती है जबकि इसमें समांतर प्लेट लगी होती है दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके आवेश यहाँ इकट्ठा होता है और ये त्रिज्या हो गई इस प्लेट की सेंटर से, ठीक है, जो कि आर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल भी बनता है, मैं आप लोगों को जब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सिलेंड्रिकल, अब यहाँ पर जो प्लेट होती है वो कैसी होती है, बेलनकार प्लेट होती है। अब देखिए ये एक बेलनकार, देखिए ये एक ए ए त्रिज्या वाला बेलनकार हो गया, सिलेंडर हो गया, और एक बी त्रिज्या वाला सिलेंडर हो गया, और यहाँ पर आवेश रुक जाता है, यहाँ आवेश रुक जाता है, और ये लंबाई हो जाती है एल। तो जो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन आर एल जो कि सिलेंडर की लंबाई हो गई 41.4 लॉग 10 बी बाय ए, मतलब लॉग बेस की 10 बी बाय ए इंटू 10^-9 फेरेड। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की क्या होती है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है जो कि आपको केवल याद रखना है कि ताकि पेपर पर टिक लगा सको। सेम चीज इधर है, सेम चीज इधर है, ठीक है, ध्यान से समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सवाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आज तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं थी तो मैं आज के लिए लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। कल हम लोग पूरा कैपेसिटर खत्म कर लेंगे विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलिए कैसा लगा लेक्चर आप लोग जरूर बताइएगा।